ये बताइए वीरेंद्र नाथ यादव के जीत के बाद आप लोग महाराज में जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको जीत को लेकर? हम लोग महागठबंधन का भारी बहुमत से जीत हुआ है, इसलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अबीर खा रहे हैं, सारा पूरा पांचों जिला में जश्न का माहौल है। बस सच्चाई का जीत है, ईमानदारी का जीत है, विकास का जीत है, महागठबंधन का जीत है, इसलिए हम लोग सभी लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी से मिठाई बांट रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, सभी लोग आपस में अपना खुशी मना रहे हैं। क्या लग रहा है जिस आशा विश्वास के साथ इस बार चुनाव जीते हैं उस विश्वास में उतर पाएंगे जनता के साथ? हम लोग पूरा उम्मीद के साथ बिल्कुल विश्वास है कि वीरेंद्र नारायण यादव अगले साल के बाद इस साल भी पूरा अपने वचन पर खड़े उतरने काम करेंगे। कोई विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास में ये सबको ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, पूरा पब्लिक का संतुष्टि है, सभी लोग खुशी में है, सब लोग पूरा भरोसा है इनके ऊपर। मारे में बहुत से लोग हैं लेकिन आप लोग क्यों जश्न मना रहे हैं जीत का? महागठबंधन का जीत हुआ है इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं, इसमें सत्य का जीत हुआ है, विकास का जीत हुआ है, ईमानदारी का जीत हुआ है, इसलिए हम लोग पूरा खुशी जश्न मना रहे हैं। आप लोगों का विश्वास है कि जीते हुए तो फिर सबकी बात विकास करेंगे? पूरा 120% पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र यादव अपने बचे में खड़े उतरने काम करेंगे। महागठबंधन जीत के श्रेय किसको देना चाहती है? महागठबंधन का जीत पांचों जिला के जनता को श्रेय हम लोग देना चाहते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं लाल बाबू यादव, वार्ड नंबर 8 भावी प्रत्याशी। ये हम लोगों की जीत मैरवा की जीत है और सबका सहयोग है, इस सहयोग में सब लोग अपना बहुत अपना टाइम दिए हैं, इसलिए हम सभी लोगों के जो स्नातक के जो वोटर्स हैं उन लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है स्नातक क्षेत्र के जो वोटर है जिस आशा उम्मीद के साथ जिताई है, क्या लग रहा है फिर से उस आशा उम्मीद के साथ उतर पाएंगे वीरेंद्र नारायण? हाँ हाँ उतर जाएंगे, जो जीत जो लोग उनको सहयोग दिया है उनका हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे, उनका सबका विकास सबका साथ रहेगा। और वीरेंद्र नारायण यादव सबके हैं। जो लोग कहते थे कि वीरेंद्र नारायण यादव इन 5 सालों में कुछ नहीं किए हैं तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, उन लोगों को देना चाहिए कि जो 36 साल रहा वो क्या किया है, हमारे 6 साल के 5 साल के लिए लोग खोज रहा है। वीरेंद्र यादव ने बहुत कुछ किया है, ये जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल जो आया है उन्हीं का देन है, यहाँ बहुत काम किए हैं, उन लोगों का कल गड़वाए हैं, लोगों की बात सुने हैं, लोगों का अगर किसी को तनख्वाह किसी शिक्षक को नहीं मिला है उसके लिए वो बहुत सहयोग किए हैं, कोई किसी का ट्रांसफर अगर जबरदस्ती हुआ है उसमें रोक लगाए हैं। आप लोगों को विश्वास है कि अब जीते हैं तो आप कहीं उससे बढ़ चढ़ के और आगे विकास करेंगे? बिल्कुल, बहुत विकास करेंगे आगे, वो बहुत विकास करेंगे और सबका सहयोग है, सब लोग उनको साथ दिए हैं, इसलिए हम लोगों का भारी बहुमत से हम लोग जीत गए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दीनानाथ सिंह बभनौली है, हम इनके सहयोगी हैं, इनके फैमिली मेंबर हैं। यह वैसा होगा, लेकिन एक बात है कि हम लोगों को आशा थी कि हम लोग सफल होंगे, लेकिन इतनी थम्पिंग मेजोरिटी से होंगे इसकी आशा नहीं थी। आशा से ज्यादा कहते हैं ना कि उम्मीद से ज्यादा मिल गया है। हाँ हाँ, वही चीज देखने को मिला है डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण चौधरी जी को। हाँ, जो लोग मतदान करते थे, मतदान को अब तक नहीं जाना था, अच्छे व्यक्ति को लाना, अच्छा चुनाव करना, वो इनके रीजन में लोग जान पाए है कि नहीं है सर? है ना। जीत का श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय, हाँ जीत का, इसका श्रेय है उस व्यक्ति का अपना करियर और उस व्यक्ति की ईमानदारी, और तो इसी से आकर्षित होकर के लोगों ने देखा, प्रयास किया है कि एक अच्छे आदमी को भी ये जो ये है राजनीति है तो गड़बड़ चीज, लेकिन इसमें अच्छे लोगों का आना भी संभव है, और वो आ करके देखें कि हाँ कि अच्छे लोगों को ही हम चुन करके भेजें और उसका क्या नतीजा होता है, क्या ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है उन्होंने ऐसा किया है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण यादव है।
इलेक्शन में सफल हुआ है। खिलाइए अपन तो लोगी तब तो नेता के लिए होता है कि देर देखा होगा।